एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल नेट्स लाइफस्टाइल। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो जो है वो गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ में गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडिया शेयर करूंगी। और इसमें मैंने कोई DIY नहीं किया है क्योंकि अब मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है DIY वगैरह करने का। और साथ साथ मैंने ज़्यादा डेकोरेट भी नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में रखा है। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली ही किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ओवर बजट में जाके डेकोर किया है। काफ़ी बजट फ्रेंडली मैंने किया है इस डेकोर को। तो ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जिन्हें उतना टाइम नहीं मिलता है DIY करने का या फिर ओवर डेकोरेट करने का। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डेकोरेशन वाला वीडियो चाहिए तो वो भी है मेरे चैनल पे। मैंने पिछले 2 साल बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और उसका वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहूँगी जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। तो आपको अगर DIY एंड डेकोर वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ विंडो के पास में ही हम अपना पूजा मंदिर का सेटअप करेंगे। और यहाँ पे वाइट कर्टेन लगा हुआ है तो वाइट कर्टेन की वजह से बैकड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस पर हम कुछ भी डेकोरेट करेंगे तो वो खिलकर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये टेबल को रख देंगे। उसके बाद में हम कर्टन पे इसे हैंग करेंगे। ये एक लोटस पैटर्न में है, मैंने सेट ऑफ 6 वाला लिया है अमेजोन से, आपको सेट ऑफ 2 में भी मिल जाएगा। और ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है, आपको लार्ज साइज़ में भी मिल जाएगा। तो कर्टन पे इसे हम हैंग करेंगे सेफ्टी पिन के हेल्प से, काफ़ी इजीली ये हैंग हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास में DIY करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो इस तरीके के डेकोर आइटम्स यूज़ कर सकते हैं इस फेस्टिव सीज़न में, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है ये सब। उसके बाद में यहाँ पर मैं इस टेबल पे अपना ये एक नेट के दुपट्टा को बिछा रही हूँ। और थोड़ा सा साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने दोनों साइड से इस तरीके से इसे बांध दिया है। और इस बार मैं काफ़ी सिंपल वे में डेकोरेट करना चाहती हूँ तो मैंने थोड़ा सा पेस्टल कलर का यूज़ किया है। तो यहाँ फ्रंट पे मैंने ये वाले दुपट्टे को बिछाया है। तो इस बार मुझे DIY करने का टाइम नहीं मिला तो बैकड्रॉप के लिए मैंने इस बार यहाँ पे ये वास को ही रखा है। आपको भी अगर DIY करने का टाइम ना हो तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके आप बैकड्रॉप तैयार कर सकते हैं। और अब लाइटनिंग के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड में टी लाइट होल्डर को रख देंगे। ये टी लाइट होल्डर का लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया है, सेट ऑफ 2 में आता है। और फेस्टिव वाइब्स देने के लिए आप इस तरीके का लोटस पैटर्न वाला टी लाइट होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रास का है, सेट ऑफ 3 में आता है, स्मॉल लार्ज एंड मीडियम साइज में। बहुत ही प्यारा लुक है इसका और रखने के बाद में पूरा फेस्टिवल लुक दे रहा है। और बस इतना ही रखने पे ना आपका पूरा लुक जो है वो डेकोर का वो चेंज हो जाएगा, आपको ज़्यादा कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम ये उर्ली को रख देंगे। ये उर्ली मैंने लास्ट ईयर ही दिवाली के टाइम पे परचेज़ किया था और फेस्टिवल मतलब तो ढेर सारे गुलाब एंड गेंदा फूल ये सभी होता है। तो आप बस उर्ली में ढेर सारे हम फ्लावर को रखेंगे और यहाँ वाले साइड पे हम गेंदे के फूल से डेकोरेट करेंगे। साथ साथ आप पान का पत्ता हो या फिर अशोक का पत्ता हो, आप उन सब चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। वो सब भी रखने से लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल लगता है। अभी मेरे पास में नहीं है इसी वजह से मैं नहीं रख रही हूँ, मैं बस फूल से ही काम चला रही हूँ। तो चलिए अब हम फटाफट से सब में कैंडल को रखेंगे। आप इसके ऊपर कैंडल ना रख के उसके जगह पे आप दिया का भी यूज़ कर सकते हैं। दिया रखने से इसका लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद में हम यहाँ पे ये एक छोटे से आसन को रखेंगे गणेश जी के लिए।
तो फटाफट से हम सारे कैंडल्स को जलाते हैं। जितना ज़्यादा आप कैंडल एंड दिया का यूज़ करेंगे उतना ही लुक जो है वो डेकोर का अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम आपके साथ में इसका फाइनल रिवील शेयर करते हैं। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये डेकोरेशन आइडिया वीडियो अच्छा लगा हो। पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से ख़रीद के यूज़ किया है उन सब का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के अपडेट एंड पिक्चर्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।